नमस्कार जी, मैं डॉक्टर अंजन न्यूरोलॉजिस्ट फ्रॉम सिटी न्यूरो सेंटर बात कर रहा हूँ। मैं आपको आज हेडेक के बारे में बोलने जा रहा हूँ। ये सिरदर्द जो होता है वो बहुत सारे कारण के वजह से होता है। कॉमनली हम जो देखते हैं सोसाइटी में, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस इज माइग्रेन। माइग्रेन एक किस्म का सिरदर्द है जो किसी भी एज में आ सकती है। वो एक बार जब शुरू होती है घंटों घंटों रहता है, और ये सिरदर्द के साथ बहुत अलग किस्म के सेंसेशन भी आ सकते हैं, जैसे मथली होना, उल्टी होना, सिर घूमना, आँखों के सामने सब कुछ धुंधला दिखना, आँखों के सामने कभी लाइट चमकने जैसे, या वैसा भी लग सकता है। माइग्रेन का ट्रीटमेंट दो किस्म के देते हैं। एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट रहता है और एक प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट रहता है जो थोड़े महीने के लिए देना पड़ता है। माइग्रेन को आइडेंटिफाई करना भी एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि हेडेक के बहुत सारे कारण होते हैं। तो दूसरे कारण जैसे दिमाग में प्रेशर बढ़ जाना, दिमाग के अंदर पानी रहता है, जो कभी कभी पानी का फ्लो कम हो जाने की वजह से, रगों में क्लॉटिंग होने की वजह से पानी का प्रेशर जम जाता है, और उसका प्रेशर की वजह से सिरदर्द आती है। आँखों के ऊपर भी, आँखों के नस के ऊपर प्रेशर जमता है, जिसके वजह से आँखों में प्रेशर बढ़ने की वजह से आँखों में कम दिखता है। ये सारे कंडीशंस के लिए हमको थोड़े इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है, तो MRI की ज़रूरत पड़ेगी ये रूल आउट करने के लिए। कभी कभी सिरदर्द शुरुआत में ही बहुत सीवियर होती है, सीवियर हेडेक जिसके साथ बार बार मथली, उल्टी होना, कभी कभी पेशेंट गिर भी जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, फिट्स भी आता है। ऐसे कंडीशन में कंपल्सरी एक स्कैन की ज़रूरत पड़ती है देखने के लिए कहीं खून बहना चुका है सिर के अंदर। ये हो सकता है अगर BP बढ़ने की वजह से सिर में जो रग होते हैं वो फट जाते हैं और खून बहता है। दूसरा, ब्रेन के अंदर कभी कभी रगों में रग उग जाते हैं, एक बलून की तरह होती है जिसे हम एन्यूरिज्म कहते हैं, जो फटने की वजह से भी खून बह सकता है। ये सारे कंडीशंस इमरजेंसी कंडीशंस हैं जिनका आइडेंटिफाई करना, जितना जल्दी आइडेंटिफाई कर पाए स्कैन के द्वारा उतना अच्छा होता है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, कभी कभी ICU में भी एडमिट करने की ज़रूरत होती है ऐसे पेशेंट्स को। सिरदर्द इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, दिमाग में इन्फेक्शन आने की वजह से सिरदर्द के साथ पेशेंट का सोचना, समझना, बातें करने, ये सब में कमी दिखती है, कन्फ्यूजन होती है, डिसोरिएंटेशन होती है। तो ऐसे कंडीशंस के लिए हमको स्कैन की ज़रूरत पड़ती है, कमर से थोड़ा ब्रेन का जो पानी होता है उसको निकाल के उसका जांच करने की ज़रूरत होती है। कभी भी सीवियर हेडेक अगर पहली बार हो, या बार बार अगर हेडेक आ रहा है, हेडेक का सिम्टम्स अगर बढ़ रहे हैं, हेडेक के साथ अगर आँखों में कम दिख रहा है, कम सुनाई दे रहा है, याददाश्त की कमी हो रही है, हाथों पैरों में कुछ वीकनेस शुरू हो रही है, तो आपको तुरंत एक डॉक्टर को मिलना चाहिए और एक अपने आप को एक बार एग्जामिनेशन करवाना चाहिए। इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत 90% केसेस में ज़रूरत होती है, स्पेशली एक सिंपल ब्रेन स्कैन की ज़रूरत पड़ती है जिससे पता चलता है क्या हो रहा है। तो ये रहा हेडेक के बारे में। तो थोड़े वार्निंग सिम्टम्स जो होते हैं वो मैंने आपसे कहा है कि हेडेक के साथ जो बार बार वॉमिटिंग होना, सीवियरिटी ऑफ हेडेक, हाथों पैरों में कमजोरी, आँखों में कम दिखना, ये सारे वार्निंग सिम्टम्स है हेडेक के साथ, जिसके लिए आपको एक बार दिखाना होगा।